हमारे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी मैम हैं। लंबे समय तक आपने आप जेएनयू में रही हैं और जेएनयू में पढ़ाया है। मैम, इतने सालों तक आप जेएनयू में रही हैं, इस तरह की घटना को कैसे देखती हैं? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ जेएनयू में? नहीं हुआ। ये बिल्कुल नया तरह का पॉलिटिक्स यहाँ पे लाया जा रहा है। ये बाहर से गुंडों को ला के उनके थ्रू मास्क पहन के आयरन रॉड पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से कोई लेके घूमता है? इतने बड़े बड़े पत्थर क्या हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि लोग आके पत्थर उठा के मारें? कहाँ से आया ये सब? आप प्रूफ देख लीजिए। हमारी सुचारिता सेन प्रोफेसर हैं, उनके सिर में पत्थर लगा इतने जोरों का, कितने 12 स्टिचेस कम से कम आए उनके, अभी वो वहाँ पे ICU में है। और हमारी स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, टारगेटेड नहीं हुआ, पहचाना कैसे? आपको पता है कि ये स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है? तभी वो एक बिल्कुल पतली सी लड़की है, छोटी सी, 21 साल की, उसको किस तरीके से मारा है, जान के खतरा है उसको। हाँ, तो ये इस तरह का वायलेंस नहीं, हमने नहीं देखा पहले, अनप्रेसिडेंटेड है ये। मैम, कैंपस में कभी इस तरह से बर्बरता नहीं होती थी? आप देखिए, छात्र ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस को कॉल किया तो यहाँ पे पुलिस ने कहा परमिशन नहीं है, लेकिन जेएनयू में बिना परमिशन, जामिया में बिना परमिशन पुलिस घुस जाती है। हाँ, हाँ। और एमयू में घुस जाती है, लेकिन यहाँ बचाने के लिए पुलिस नहीं आती। जेएनयू में भी पुलिस बहुत है कई दिन से, हाँ, अंदर बहुत पुलिस घूमती रहती है, ये बिल्कुल गलत है। अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन के लिए वाइस चांसलर ने बोला पुलिस को खड़ी करके एग्जाम करवाऊंगा। जो पुलिस को खड़ी करके एग्जाम करवा सकते हैं, वो इस तरह का वायलेंस रोकने के लिए पुलिस को बुलाने में क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? जब 6:30 बजे से गड़बड़ शुरू हो गई, उनको खबरें मिल रही हैं, तो 9:30 बजे क्यों पुलिस अंदर आई और फ्लैग मार्च किया? 3 घंटे पूरा एरिया जहां वायलेंस हुआ है, आप मेरी कॉलीग वहां थी, उनसे पूछ लीजिए, कोई 100 गज का एरिया है रेडियस, 100 यार्ड रेडियस में सारा वायलेंस हुआ है। मैं तो पुलिस की नहीं हूं, पर अगर मेरे को भी भेज देते विद सम हेल्प, तो 10 मिनट के अंदर वो वायलेंस कंट्रोल हो सकती थी। 10 मिनट, इतना छोटा सा एरिया है जहां सारी वायलेंस हुई है। साबरमती हॉस्टल यहां है, साबरमती ढाबा यहां है, जिधर को वो गए पेरियार यहां है, मैं आपको फिजिकली दिखा दे सकती हूँ। मैम, हम लोग भी जब आते हैं तो बाकायदा चेकिंग होती है, तलाशी ली जाती, पूछा जाता है, और नकाब पोश लोग हाथ में रावत और डंडा लेकर आगे, कोई सिक्योरिटी, कोई चेकिंग? पूछिए पुलिस से कैसे आए वो अंदर, और मैं तो 5 बजे खुद अंदर आई हूँ, आप बहुत सारी पुलिस तैनात थी, तो ये है नहीं कि यहाँ पे पुलिस तैनात नहीं थी। यानी एक बड़ा सवाल है जो कैंपस के अंदर अब बर्बरता देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है देश के अंदर कि इस तरह से छात्र जो जहां पढ़ते हैं वहां पे इस तरह की बर्बरता होती है। और जेएनयू का जो कैंपस है, अंदर जाते ही बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, आपसे पूछते हैं कि किससे मिलना है आपको, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछ के परमिशन दी जाती है, उसके बाद लोग कैंपस के अंदर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई कि इस तरह से नकाबपोश लोग अंदर चले जाते हैं और इतनी बड़ी हिंसा करते हैं, और पुलिस इस हिंसा को रोकने में अब तक नाकाम क्यों नजर आती है? कैमरामैन रमेश चंद के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।